महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगी जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगीतुंगी तीर्थ की निरंतर 2 यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की 1 यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु 5 पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूल नायक विश्वेहतंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड़गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहां आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। आपके द्वारा शांति धारा 51 से 51 भगवान पे दूध की धारा 25 से 25 सर आदि व्याधि बीमारी दूर करने वाली दवा से भगवान पे अभिषेक 25 से 25 भगवान पे जल अभिषेक कोई भी कलश संख्या में 1515 और भक्तों को तो भोजन देंगे ही ना, एक दिन का भोजन 15111 आई कल की पूर्णिमा महोत्सव में कलश लेकर महापुण्य का संचय कर वह जीवन को सफल बना जो मांगीतुंगी प्रतिवर्ष आते हैं शर्ते के दर्शन करते हैं भगवान चिंतामणि का अभिषेक करते हैं उनके जीवन के सभी काम बन जाते। मैं सभी भक्तों के लिए अपनी ओर से मांगीतुंगी चर्च कमेटी की ओर से सभी भक्तों को चर्च कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं, सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे उर में धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदयानंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नरभव करूं, मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं,
प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक् त्वचि संपत्ति वरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। आज विशेष दिन में होली का दिन है और होली के दिन में जो भक्तगण आते हैं यहाँ पर अपना समय निकाल करके और वह भगवान की आराधना भक्ति पूजा करते हुए होली मनाते हैं। और होली का मतलब ये होता है कि वह हमारे कर्म है, पाप है, जो हमारे जो कार्य में विघ्न आते बाधा आते हैं तो दूर करने के लिए हम यहाँ लोग आते हैं और आकर भी हम पुण्य अर्जन करते हैं और कहते हैं देखो हमारा पता है कर्म सबसे बलवान होते हैं और कर्मों को जो नष्ट करते हैं यानी भगवान की भक्ति के माध्यम से कई प्रकार की आगे व्यादी और कामनाएं जो होती है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर तीन बातें होती है वो तीन बातें कौन सी है? तीन बातें ये है कि यह अति क्षेत्र है, अति क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र है और दो क्षेत्र और आदिनाथ भगवान विश्व तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 108 फुट वाले देवी का